हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास एट सोशल साइंस का सिंपल सिंप्लीफाइड मटेरियल जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने जो है वो 90 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है हमारे पास, विच सोशल रिफॉर्मर इज कॉल्ड द प्रोफेट ऑफ कॉन्टेम्प्ररी आंध्र प्रदेश। तो ये थे हमारे वीरासलिंगम, ऑप्शन ए इसके लिए राइट है। नेक्स्ट है, हु सजेस्टेड फॉर गिविंग द पॉलिटिकल राइट टू द लोअर कास्ट पीपल इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किसने जो है वो लोअर कास्ट को पॉलिटिकल राइट देने की जो है वो सजेशन दी थी, तो वो महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट है, विच कैपिटल सिटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी गेंड इम्पोर्टेंस आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर। कौन सी कैपिटल सिटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी की, कौन सी कैपिटल सिटी को जो है वो बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर के बाद जो है वो इंपॉर्टेंस मिलनी शुरू हुई थी, तो वो थी कोलकाता। नेक्स्ट है, हु एस्टेब्लिश्ड द सेंटर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन मद्रास इन 1639 AD। किसने जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है वो सेंटर में क्रिएट करी थी मद्रास में, तो वो थे हमारे फ्रांसिस डी ने, ऑप्शन बी इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट है, विच सिटी वाज गिवन टू इंग्लैंड इन द डाउरी बाय द पोर्तुगीज। अब इंग्लैंड जो है वो, इंग्लैंड को जो है वो कौन सी सिटी जो है वो पोर्तुगीज के द्वारा जो है वो डाउरी में दी गई थी, तो वो मुंबई दी गई थी, जिसका जो है वो पहले का नाम बॉम्बे हुआ करता था। नेक्स्ट है, विच सिटी वाज मेड कैपिटल बाय द ब्रिटिशर्स इन 1911। कौन सी कंपनी को, कौन सी सिटी को जो है ब्रिटिश ने राजधानी बनाया था 1911 में, तो वो दिल्ली थी। दिल्ली को जो है वो ब्रिटिशर्स ने 1911 में अपनी राजधानी बनाया था। हु रोट द फेमस नोवल गोदान एंड रंगभूमि और गोदान जो है वो किसने लिखी थी, तो वो मुंशी प्रेमचंद द्वारा जो है वो लिखी गई रचनाएं हैं ये दोनों, गोदान और रंगभूमि। नेक्स्ट है, विच नोबल ऑफ बकिम चंद चतुर्दी इन इंडिया इज इंडियाज नेशनल सॉन्ग पार्ट ऑफ। जो हमारा इंडिया का नेशनल सॉन्ग है वो बकिम चंद चतुर्दी की कौन सी नोवल में से लिया गया है, तो वो जो है वो आनंद मठ में से लिया गया, तो इसका आंसर ए है। विच फेमस न्यूज़पेपर वाज पब्लिश्ड बाय द बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक द्वारा कौन सा जो है वो न्यूज़पेपर पब्लिश किया गया था, तो वो केसरी था। नेक्स्ट है, व्हेन एंड विच गवर्नर जनरल मेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। कब और कौन से गवर्नर जनरल ने जो है बंगाल का पार्टीशन करवाया था, तो वो लॉर्ड कर्जन ने 1905 में करवाया था। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ मॉडरेट लीडर। इनमें से कौन सा जो है वो एक मॉडरेट लीडर था, तो दादाभाई नौरोजी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये दोनों ही जो है वो मॉडरेट लीडर थे। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन जो है वो कब रखा गया था, तो ये 29 से 30 दिसंबर 1885 में रखा गया था। नेक्स्ट है, हु सेड दिस वर्ड, वी डू नॉट वॉन्ट टू मेंटेन रिलेशन विद द ब्रिटिशर्स, वी वॉन्ट अवर ओन गवर्नमेंट इन इंडिया। ये वर्ड किसके द्वारा कहे गए हैं कि हम ब्रिटिशर्स के साथ कोई भी रिलेशन बना के नहीं रखना चाहते हैं, हम इंडिया में अपनी खुद की जो है वह सरकार चाहते हैं, तो ये विपिन चंद्र पाल के जो है वो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स जो है विपिन चंद्र पाल ने कहे थे। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द गदर पार्टी फॉर्म। गदर पार्टी कब बनाई गई थी, तो गदर पार्टी जो है वो 1913 ईस्वी में बनाई गई थी, आंसर बी इसका होगा। व्हेन एंड वेयर वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड। कब और कहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो बनाई गई थी, तो 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है वो फाउंडेशन हुई थी। नेक्स्ट है, हु गेव द स्लोगन दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा जो है वो किसने दिया था, दिल्ली चलो का नारा जो है वो सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, हु सेड दिस वर्ड्स, नो अपील नो वकील नो डिले नो दलील। किस ये वर्ड किसने कहे थे कि कोई अपील नहीं, कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, तो ये पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा कहे गए जो है वो शब्द हैं। नेक्स्ट है, हु लेड द खलीफत मूवमेंट। खलीफत मूवमेंट को जो है वो किसने जो है वो लीड किया था, तो इसको शौकत अली, मोहम्मद अली, अब्दुल कलाम आजाद, इन सभी ने जो है वो लीड किया था, तो इसका आंसर ऑल ऑफ अबव है। नेक्स्ट है, व्हेन डिड महात्मा गांधी
स्टार्ट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट. महात्मा गांधी ने जो है वो ब्रिटिशर्स के अकॉर्ड के अगेंस्ट जो है वो असहयोग आंदोलन जो है वो कब स्टार्ट किया था, तो वो 1920 में स्टार्ट किया गया था. तो ऑप्शन बी इसके राइट है. नेक्स्ट है, वेयर डिड गांधी जी सस्पेंड नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट. गांधी जी ने जो है वो असहयोग आंदोलन जो है वो कहाँ पर जो है वो ख़त्म किया था, तो ये चोरा चोरी में एक जो है वो इंसिडेंट हो गया था जिसके बाद जो है वो गांधी जी ने इसको जो है वो बंद कर दिया था. नेक्स्ट है, व्हेन डिड महात्मा गांधी स्टार्ट द क्विट इंडिया मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट. महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो मूवमेंट जो है वो कब स्टार्ट करी थी, तो ये 1942 में करी थी. नेक्स्ट है, वैन वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेड. इंडिया का जो संविधान है वो कब जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ था, तो ये 26 जन 1949 को जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ था. 26 जनवरी 1949 ये जो है वो इम्प्लीमेंटेशन की बात है, तो इम्प्लीमेंट जो है वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था. तो यहाँ पे ऑप्शन गलत है, यहाँ पे आंसर आएगा 26 जनवरी 1950 को जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ था. नेक्स्ट है हमारे पास, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन कौन थे, उसके चेयरमैन जो है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे. नेक्स्ट है, हु इज़ द हाइएस्ट अमंग द फॉलोइंग इन इंडिया. तो इंडिया में सबसे ऊपर जो है वो हमारी जुडिशरी है, उससे ऊपर जो है कुछ भी नहीं है, तो इसके लिए आंसर जो है वो हमारा सी होगा. नेक्स्ट है, स्टेट द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्ट कमेटी. तो ड्राफ्ट कमेटी में कितने मेंबर थे, तो ड्राफ्ट कमेटी में हमारे 7 मेंबर्स थे, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा. नेक्स्ट है, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर द फंडामेंटल राइट्स इंक्लूड. किस पार्ट में जो है फंडामेंटल राइट्स को जो है वो इंक्लूड किया गया, तो वो पार्ट 3 में किया गया है. नेक्स्ट है, वेयर आर द रूल्स फॉर आइडियल्स इंक्लूड. जो रूल्स हैं वो कहाँ पे जो है वो हमारे इंक्लूड हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. नेक्स्ट है, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड 6 काइंड ऑफ फ्रीडम टू द इंडियन सिटीजन. किस आर्टिकल में जो है वो इंडियंस को जो है वो 6 टाइप की जो है फ्रीडम प्रोवाइड की गई है, तो आर्टिकल 19 में दी गई है, तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 19 ऑप्शन सी. नेक्स्ट है, अप टू विच क्लास इज द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इम्प्लीमेंटेड. कौन सी एज तक के, कौन सी क्लास तक के बच्चों को जो है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो है वो लागू की गई है, तो 8th क्लास तक के बच्चों के लिए ये जो है वो लागू किया गया है. नेक्स्ट है, अंडर विच राइट इज द ट्रेडिंग ऑफ ह्यूमंस प्रोहिबिटेड. किस राइट के अकॉर्डिंग जो है वो ह्यूमंस की जो ट्रेडिंग है वो मना की गई है, तो है राइट अगेंस्ट द एक्सप्लोइटेशन, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन. नेक्स्ट है, सिंस वेन हैज़ द राइट टू एजुकेशन हैव बीन इम्प्लीमेंटेड इंडिया में जो है वो राइट टू एजुकेशन कब जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ था, तो ये 1 अप्रैल 2010 में, यानी कि ऑप्शन सी. नेक्स्ट है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज द राइट टू एजुकेशन फॉल्स. राइट टू एजुकेशन जो है वो कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, तो ये आर्टिकल 21A के अंदर आता है. नेक्स्ट है, हाउ मैनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड फॉर द राज्यसभा बाय द प्रेजिडेंट. प्रेजिडेंट के द्वारा राज्यसभा के लिए कितने मेंबर्स को नॉमिनेट किया जा सकता है, तो इसका आंसर है हमारा 12 मेंबर्स को जो है वो प्रेजिडेंट नॉमिनेट कर सकता है राज्यसभा के लिए. नेक्स्ट है, हाउ मैनी मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर द राज्यसभा फ्रॉम पंजाब. पंजाब में से कितने जो है वो मेंबर राज्यसभा के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, तो पंजाब में से 7 मेंबर्स जो है वो राज्यसभा के लिए इलेक्ट किए जाते हैं. नेक्स्ट है, हु रिजॉल्व्स द डिफरेंस बिटवीन द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. कौन जो है वो पार्लियामेंट के दो हाउसेस के बीच के जो डिफरेंसेस हैं उनको जो है वो खत्म करता है, तो वो हमारा प्रेसिडेंट करता है, तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट है. अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज द सुप्रीम कोर्ट बीन प्रोवाइडेड स्पेशल पावर्स. विच आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो है वो सुप्रीम कोर्ट को जो है वो स्पेशल पावर्स दी गई हैं, तो वो आर्टिकल 136 है. आर्टिकल 136 के अंडर जो है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट जो है वो को जो है वो स्पेशल पावर्स जो है प्रोवाइड की गई हैं. नेक्स्ट है, वेयर आर द हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड. हाई कोर्ट जो है वो कहाँ पे होते हैं, तो हाई कोर्ट जो है वो हमारे स्टेट लेवल पे होते हैं. नेक्स्ट है, हाउ कैन द पब्लिक इंटरेस्ट केस बी फाइल्ड. जो पब्लिक इंटरेस्ट केसेस होते हैं उनको कैसे फाइल किया जा सकता है, बाय फॉर ड्राफ्ट डिफेंडिंग सेल्फ इंटरेस्ट. इसके लिए ऑप्शन सॉरी फॉर डिफेंडिंग द पब्लिक इंटरेस्ट, तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट होगा, फॉर डिफेंडिंग पब्लिक इंटरेस्ट. नेक्स्ट है, कास्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पोलिटिकल पार्टी
इन इंडिया, हु सैड दिस वर्ड। कास्ट जो है वो इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी है, जो ये वर्ड जो है वो किसने गए थे, ये श्री जयप्रकाश नारायण के जो है वो वर्ड है। नेक्स्ट है, विच फंडामेंटल राइट हैज बीन एडिड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू एंश्योर सोशल जस्टिस टू द इंडियन पीपल। कौन सा फंडामेंटल राइट जो है वो इंक्लूड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये श्योर करने के लिए कि इन लोगों को जो है वो सोशल जस्टिस जो है वो मिले। तो ये जो है वो राइट टू इक्वालिटी है। नेक्स्ट है, रीड ऑल डेवलप ऑल हुज मोटो इज दिस, सभी पढ़े और सभी बड़े, ये मोटो जो है वो किसका है, ये जो है वो सर्व शिक्षा अभियान का जो है ये लोगो है कि सब पढ़े और सब बड़े। नेक्स्ट है, फॉर हुम इज द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स प्रमिसिबल इन गवर्नमेंट जॉब, किसको जो है वो सीट्स जो है वो रिजर्व मिली है गवर्नमेंट जॉब के अंदर, तो ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स एंड बैकवर्ड क्लासेस को जो है वो ये रिजर्व सीट्स मिली हैं। तो इसका आंसर होगा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड बैकवर्ड क्लासेस। नेक्स्ट है, वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ATM, ATM की फुल फॉर्म क्या है, ATM की फुल फॉर्म होती है हमारे पास ऑटोमेटेड टोलर मशीन, तो ऑप्शन ए इसका राइट है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ हैविंग ATM कार्ड, ATM कार्ड होने के क्या जो है वो बेनिफिट है, सेव टाइम टू रिड्यूस द पेपर वर्क, विदड्रॉ में ए बी मेड एट एनी टाइम, इट इज ईजियर टू चेक बैलेंस एक्सेट्रा इन द अकाउंट, ऑल ऑफ दिस, तो ये सभी जो है वो हमारे ATM के बेनिफिट है, तो इसके लिए ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव आएगा। नेक्स्ट है, बाय व्हाट कैन बी डन यूजिंग एन ATM कार्ड, ATM कार्ड से हम क्या क्या कर सकते हैं, इससे हम कैश निकाल सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं और ट्रांसफर ऑफ फंड कर सकते हैं, तो ऑल ऑफ दिस इसका भी आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। तो इसके साथ हमारे जो है वो MCQs खत्म होते हैं, हमने जो है टोटल 134 जो है वो MCQs किए, जिनमें से जो है वो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फिलअप्स करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको अगर ऐसी और वीडियो चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।